अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश के बैनर तले बुधवार को संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर दीवानी कचहरी स्थित सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार कक्ष में संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सत्यानंद उपाध्याय मौजूद रहे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने संगोष्ठी में अपने अपने विचार को साझा किया। इस अवसर पर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु प्रताप पांडे, अधिवक्ता परिषद प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र नाथ शुक्ल, अनुराग दुपे, उदयवीर सिंह, अरुण कुमार पांडे सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। संविधान संशोधन से असीमित की स्थिति में आ गया, तो अब आप कह सकते हैं कि संसद फिर सुप्रीम हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट बैठा ही है कि वेदर लॉ इज गुड और बैड विल बी डिसाइडेड बाय द जजेस, ठीक है। तो मिनर्वा मिल्स में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि खंड 4 और 5 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि वह असीमित शक्ति देता है संसद को, और कोर्ट है पावर करप्ट्स मैन, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो इन शब्दों के साथ मैं आपके बीच ये बात छोड़ के जाता हूँ कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि हम ही सुप्रीम हैं। बाकी आप लोग विद्वान हैं, इन चीज़ों पे अपनी बातों को विषयों को रखेंगे और सबका मार्गदर्शन होगा। लेकिन आपकी बातों का जवाब अभी कुछ वक्ता कर देंगे कि आज संविधान की सर्वोच्चता कैसे बनी हुई है। तो इसी कड़ी में आगे विषय पर प्रकाश डालने के लिए हम श्री अनुप पांडे जी को आमंत्रित करते हैं। आप जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से अपने विचारों को आपसे साझा करने के पूर्व मैं थोड़ा सा आप सभी का ध्यान उस समय काल, उस खंड की ओर ले जाना चाहता हूं जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी को इस जिम्मेदारी को सौंपा। उस समय जो विकल्प थे संविधान के विषय में चर्चा करने के लिए, ड्राफ्टिंग करने के लिए, फॉर्मुलेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, वो अनुभव था। अनुभव किस प्रकार से अन्य जो दुनिया के देश हैं वहां पे कैसे क्या चल रहा है। निश्चित तौर पे जब कोई पॉलिसी मेकिंग होती है, कोई बड़ा कार्य होता है, इतिहास रचा जाता है, तब पूर्व के काल या समकक्ष स्थितियों का भी अवलोकन किया जाता है। उस कालखंड में संविधान के बारे में मैं संक्षिप्त रूप में ये कहूंगा कि दो देश लोकतंत्र के बारे में अत्यंत प्रभावित थे। एक तो था अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। आप सभी विद्वजन हैं, हम सब जानते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे सबसे रिजिड माना गया है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं है। लगभग 1717 में लिखा गया और वही लगातार कंटिन्यू हुआ, और उसके क्रिटिसिज्म के बारे में ये बातें कालांतर में आती रही कि समय के अनुरूप एडजस्ट करने की क्षमता उसमें नहीं है। उसके अलावा अमेरिकन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को सुप्रीम माना गया, जो कि हमारे लिए मौजूद नहीं था, हमारे लिए बहुत एडॉप्टेबल नहीं था, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को सत्ता का सर्वोच्च केंद्र बनाना हमारे लिए उस समय समीचीन नहीं था।